अस्सलाम वालेकुम, हादियाज किचन में वेलकम। आज हम बनाएंगे जिंजर चिकन और जिंजर चिकन की रेसिपी में जो जो अज्जा शामिल होते हैं रेसिपी में आपको बताते हैं। बताते जाएं। सबसे पहले तो हमने आधा किलो चिकन लिया है और चिकन को पहले अच्छी तरह से धो लें, साफ कर लें। इसके बाद हमने इसमें एक चम्मच लहसुन पेस्ट डाला है और एक चम्मच ही हम अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। अब हमने ये दोनों चीज़ें इस पे अच्छी तरह से मलकर रख देनी है। इस तरह के हर बोटी पर अच्छी तरह से चिकन पर ये लग जाए पेस्ट जो कि हमने इस पे लगाया है। इस तरीके से ये सारा इसके ऊपर लग जाएगा तो हम इसे एक घंटे के लिए रख देंगे। एक घंटे बाद हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेकर चिकन को उसमें रखना है और फिर उसको अलट पलट करना है इस तरीके से कि उसके ऊपर कलर आ जाए, जैसे कि फ्राई होने के बाद दूसरी साइड से आ जाता है। अब इसके बाद हमने करना है कि एक पैन लेना है और उसमें हमने डालना है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे एक अदद चॉप की हुई प्याज। जी हाँ, एक थोड़ी सी बड़ी प्याज आपने लेनी है ताकि थोड़ी सी ग्रेवी आपके पास बन सके। ये चॉप की हुई प्याज हमने इसमें डाल दी है और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट डालेंगे और डालेंगे ज़ीरा। एक चम्मच हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरे का डाला है और अब इसको अच्छी तरह से थोड़ी सी देर फ्राई होने देंगे। इसको फ्राई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें डालेंगे आधी प्याली दही। ये हमने इसमें आधा प्याला दही का शामिल कर दिया है और इसको एक बार फिर से हम इसे पकने देंगे। अब हमने इसमें तीन अदद हरी मिर्च डाली है और बाकी का सामान डालते हैं। इसमें नमक डाल दिया है एक चम्मच और जनाब अब हमने इसमें सौंठ का पाउडर भी आधी चम्मची डाला है। इसमें डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर और जावित्री का पाउडर हम इसमें डालेंगे। इसमें डालेंगे छोटी इलायची का पाउडर बना हुआ, ये भी हमने इसमें डाल दिया है। और इसके साथ ही हम इसमें ज़ीरा मसाला यानी ज़ीरे का पाउडर डालेंगे और डालेंगे गरम मसाला पाउडर। एक चम्मच गरम मसाला पाउडर भी इसमें शामिल कर देंगे और इसके बाद मसाला भुन जाएगा और मसाले को भूनने के बाद हम इसमें फ्राई किया हुआ वो चिकन डाल देंगे जिसे हमने लाइट से ऑयल में फ्राई करके रखा था। और इस सारे मसाले में डालने के बाद हम इस चिकन को पकने देंगे। दो अदर टमाटर का पेस्ट हम इसमें शामिल कर दिया है और इसके साथ हमने इसमें डाली है दोबारा से आधी प्याली दही ताकि ग्रेवी बन सके अच्छी तरह, बहुत ही मज़ेदार किस्म की। और जो पककर तैयार हो जाएगा थोड़ी सी देर में टेंडर हो जाएगा चिकन और ग्रेवी भी तैयार हो गई है इसकी। अब हम इसे गार्निश कर देंगे कटे हुए अदरक के साथ, बारीक काट के रख लें और हरा धनिया इसमें ऐड कर दें। इन दोनों चीज़ों को डालकर हम इसे गार्निश कर देंगे और बिल्कुल रेडी हो जाएगा जिंजर चिकन। रेसिपी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, स्किप किए बगैर आप बहुत इत्मीनान से देखकर ही सब कुछ बना सकते हैं। और सारे ही घर के मसाले शामिल हैं आपके पास, मज़ेदार किस्म का जिंजर चिकन इंजॉय करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। रेसिपी देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, ये आपकी तरफ से मोहब्बत है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।